कि झारखंड कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीन ने कह दिया है कि आज रात तक दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पहली बार कांग्रेस प्रभारी रांची आए। उन्होंने ये दावा किया है कि कुल 71 सीट में 79 पर गठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। आपने पहला लिस्ट तो देख लिया होगा, दूसरे लिस्ट में दो एक क्वेरीज थी और वो मेरे ख्याल से आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ तो आज लेट शाम तक आएंगे, कुछ कल तक आएंगे। सर, सीट को लेकर जैसा उस दिन घोषणा हुआ 70 सीटों पर सहमति बनी, बचे हुए को लेकर अब तक अधिकारिक घोषणा नहीं है, वो भी हो जाएगा, होते जा रही है, आधिकारिक हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ सीटों पर तो सहमति होगी, कुछ सीटों पर हो सकता है कुछ हमारे नए मेहमान अपने हिसाब से लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 81 से में से 79 सीटों पर आपको किसी तरह का अनुवाद नहीं मिलेगा, बट एक दो सीटों पर अभी कश्मकश है, उसमें मना नहीं। नंबर गेम क्या है सर, कितने जब 81 निकलेगा आप देखोगे। अगली खबर गढ़वा से, जहां बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी ने नामांकन कर दिया है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। नामांकन के बाद रामा साहू मैदान में हुई विशाल जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बहने का आरोप लगा दिया। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। कहते थे वो 6 महीना सोता था और 6 महीना उठता था तो 6 महीने खाते ही रहता था। वो तो 6 महीने खाता था, लेकिन गढ़वा में जो मंत्री बैठा है वो तो 12 महीने ही खाता रहता है। ये ईंट खा जाए, ये पत्थर खा जाए और ये क्या खा जाए, अरे जोर से बताओ क्या खा जाए। और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा ने भलामू में सभा को संबोधित किया है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने जीएम सरकार पर हमला बोलते हुए जनता को ठगने का आरोप लगाया। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि जीएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने वाली जीएम सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। पार्टी का सरकार बनेने का कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। मैंने भारत का कोई सरकार देखा हो, कांग्रेस का सरकार भी देखा हो, लेकिन बार बार क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप करने वाला सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखा हो। ऐसा सरकार को गंगा मैया में जाके समर्पित कर देना चाहिए। ये सरकार को शासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन कल करेंगे नामांकन। बरहेट से चुनावी मैदान में है हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन गांडे सीट के लिए कल नामांकन दर्ज करेंगी। अमर बाउरी कल नामांकन का पर्चा भरेंगी। चंदन कियारी से चुनावी मैदान में है अमर बाउरी। सीपी सिंह भी कल ही नामांकन करेंगे। 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को बिरंची नारायण का नामांकन होगा। वहीं नवीन जायसवाल भी कल नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी नामांकन दर्ज कराएंगे। तो हेमंत सोरेन कल अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसी बीच खबर यह आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन दोनों ही कल नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि इन सभी नेताओं की तरफ से अपनी अपनी तिथि निर्धारित रखी गई है, जिस दिन ये नामांकन दर्ज कराएंगे और उसके बाद चुनावी रणभूमि में पूरी तैयारी के साथ उतर जाएंगे। दावा है तो वो दावा है, खुशफहमी पालें
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे से कोई किसी को रोकता है क्या? नहीं देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें फख्र है, हमें बहुत उस पर अभिमान गौरव लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है। तो आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से नामांकन की तारीख तय रख ली गई है, जिस दिन वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे और चुनावी रणभूमि में तैयारी के साथ उतर जाएंगे। और इसी में पहला नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल की वो तारीख होगी जब ये दोनों ही नामांकन पर्चा भरेंगे। बढ़ेंगे